यूपी को न जाने किसकी नजर लग गई है। एक के बाद एक हादसों की तस्वीर सामने आ रही है। अभी लोगों के जहन से कानपुर की दर्दनाक तस्वीरें निकली भी नहीं थी कि आज अमरोहा और रायबरेली से एक्सीडेंट की तस्वीरें सामने आ गई। रायबरेली के लखनऊ राजमार्ग पर बने बचरावा स्थित ओवरब्रिज पर हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुल पर बने जालेवा मोड़ में आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसी ओवरब्रिज पर एक बार फिर एक बड़ा हादसा हो गया। एक ऑटो रिक्शा ओवरब्रिज पर चढ़ ही रहा था कि पीछे से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। मामला यही नहीं रुका, कार की दोबारा टक्कर मारने के बाद ऑटो रिक्शा चालक अपना नियंत्रण खोकर डिवाइडर से जा टकराया, जिसमें ऑटो रिक्शा में बैठी स्कूली छात्रा समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से आ रहे थे, कैसे, क्या हादसा हुआ, क्या हुआ? जब ओवरब्रिज पे चढ़े तो पीछे से गाड़ी टक्कर मारा, हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या है। कौन सी गाड़ी है? अरे मारुति 4 पहिया है, नाम गाड़ी का नाम नहीं जानते। अच्छा, फिर उसके बाद फिर संभल गए, ढाल पे थे, उसके बाद फिर दोबारा टक्कर मारा इतनी तेजी से कि हम डिवाइडर बन गए। कहाँ जा रहे थे आप लोग? यहाँ बछरा आ रहे थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। सब लोग छोटे लोग हैं? हाँ, सब लोग। एक लड़की थी तो कम चोट है, तो स्कूल जा रही थी तो स्कूल चली गई। सभी लोग सेंगो के रहने वाले? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रकाश है। आपको बता दें कि लखनऊ राजमार्ग पर बने बचरावा स्थित ओवरब्रिज पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। वही इस हादसे के बाद फिर बचरावा स्थित ओवरब्रिज चर्चाओं में आ गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिव के सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।